हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। प्रदेश में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में जी जान से जुटी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रदेश में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। लेकिन उससे पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। वैसे तो इन चुनाव में कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इन चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों के दिग्गज मैदान में जान फूंकने का काम करेंगे। बीजेपी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली 14 सितम्बर को कुरुक्षेत्र में करेंगे और यहीं से उनके प्रचार की शुरुआत होगी। बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम भी प्रचार प्रसार करेंगे। स्टार प्रचारकों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहलवान बबीता फोगाट, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी शामिल हैं। इसके अलावा सांसद नवीन जिंदल, अशोक तंवर, धर्मवीर सिंह भी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री प्रदेश के उन सीटों पर रैली करेंगे जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स कमजोर हैं या फिर पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। जहां एक और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 40 कांग्रेस के नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं पूरा गांधी परिवार हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में जान फूंकने का काम करेगा। कांग्रेस की ओर से की गई तैयारियों के मुताबिक विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला, साथ ही गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में रैलियां करेंगे। वहीं हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी शामिल है। वहीं एक सीएम और 3 पूर्व सीएम भी हरियाणा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रण तैयार है। दिग्गजों के साथ दाव पर लगी है। अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होने के बाद दिग्गज चुनावी मैदान में अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, प्रदेश की जनता से वोट की अपील करेंगे। बहरहाल 5 अक्टूबर को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 8 अक्टूबर को ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता किसको सत्ता तक पहुंचाती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।